पैन कार्ड बनाओ, 1 लाख रुपए कमाओ, घर बैठे ऑनलाइन 3 तरीके खूब पैसे कमाओ। दोस्तों इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है डिजिटल फास्ट पैन, और आज के दिन इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग पैन कार्ड बना करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। आप लोग किसी गांव में, किसी शहर में, कहीं पर भी रहते हो तो उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, अगर चाहते हैं आप लोग कि उन लोगों का पैन कार्ड बना करके आप लोग पैसे कमाएं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है जो लोग पैन कार्ड बना करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इसमें 3 प्लान हैं और 3 तरीके हैं पैसे कमाने के, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा वो तीनों प्लान, तीनों तरीके जिससे आप लोग अच्छा खासा पैसे कमाना चाहते हैं पर मंथ 1 लाख रुपीस। तो आप लोग आज के दिन इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर हम समझ लीजिए आप लोग, अब अगर इसके अंदर के जो प्लान है, प्लान में से कोई भी एक प्लान ले लेते हैं, तो प्लान लेने के बाद अगर समझ लीजिए किसी भी यूजर का, जो भी आप लोगों के दुकान पे कस्टमर आएगा पैन कार्ड बनवाने के लिए, तो समझ लीजिए एक पैन कार्ड अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कूपन मिलता है, यानी कि कूपन बाय करना पड़ता है। अगर आप लोग दुकान वाले हैं तो आप लोगों को समझ लीजिए 5 पैन कार्ड बनाना है तो 5 कूपन बाय करना होगा। आप लोगों को जो कूपन है वो कम दाम में मिलेगा, आप लोग जितना मन करे उतना आप लोग पैन कार्ड बनाने के बदले आप लोग कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि वो 3 प्लान 3 तरीके कौन से हैं जिससे हम लोग महीने के घर बैठे पैन कार्ड बना करके ऑनलाइन खूब पैसे कमा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक और इस वेबसाइट का सपोर्ट टीम का जो कॉलिंग नंबर है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो नीचे कॉल करके आप लोग, यानी कि जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लोग कॉल करके हेल्प ले सकें। दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप लोग कैसे इस वीडियो को देख करके आप लोग अपना खुद का एक पैन कार्ड, यानी कि आप लोग अपने दुकान में पैन कार्ड सेंटर खोल सकते हैं और पैन कार्ड बना करके पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आप लोगों को आइलैंडटेक चैनल पर ही मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को एक लाइक कर देना। यानी कि अगर आप लोग खुद का अपना पैन कार्ड की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप सब लोग कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यानी कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा, आप लोगों को ये जो नीचे नंबर दिया गया है इस नंबर पर कॉल करके पता करना होगा, ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप लोगों को पैन कार्ड बनाने में या किसी और चीज में, किसी और दूसरों चीजों में हेल्प चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पर, ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पर 2 नंबर, इस पर कॉल कर सकते हैं। और कॉल का जो टाइमिंग होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, और यहाँ पर देख रहे हैं तो 2400 घंटा आप लोग ये, यानी कि आप लोगों का कॉल उठाने के लिए ये रेडी है, किसी भी दिन आप लोग कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे ऊपर जाते हैं और ये जो प्लान है ये तीन प्लान के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे और A to Z में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप लोगों को अगर पैन कार्ड अप्लाई करना है न्यू पैन कार्ड तो आप लोगों को क्या क्या ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, कहाँ से न्यू पैन कार्ड बनेगा, उस सब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो यहाँ पे देख रहे तो ज्वाइन एज अ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे ज्वाइन एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ रिटेलर, तो ये छोटा है, फिर ये थोड़ा सा बड़ा है, फिर ये सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े वाले में, ये बीच वाले में और ये सबसे छोटे वाले में क्या फायदा है वो अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो एज अ रिटेलर, यानी कि ये वाला अगर आप लोग प्लान लेते हैं तो ये 99 रुपीज का प्लान है। इसमें आप लोगों को क्या बेनिफिट्स है वो ध्यान से सुनिए, और इसमें क्या बेनिफिट्स है वो भी बताऊंगा, इसमें क्या बेनिफिट्स है वो भी बताऊंगा, ध्यान से आप लोग देखते रहिए, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ज्वाइन एज ए रिटेलर। अगर आप लोग रिटेलर के जरिए, यानी कि रिटेलर का सिर्फ ये वाला प्लान लेते हैं तो आप लोगों को 99 रुपीज में मिलेगा। इसमें सिर्फ आप लोगों को बेनिफिट ये मिलेगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैन कार्ड बना सकते हैं, और आप लोगों को जो भी आप लोगों को मार्जिन रख करके आप लोग पैन कार्ड पे चार्ज करना चाहते हैं पर पैन कार्ड, वो आप लोग चार्ज कर सकते हैं, वो इसके अंदर प्लान दिया गया है। जैसे कि सिर्फ आप लोग पैन कार्ड से ही पैसे कमा पाएंगे ये रिटेलर वाले में, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर में क्या है कि आप लोग, जैसे ये रिटेलर है तो रिटेलर सिर्फ पैन कार्ड बना के पैसे कमाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा ये होगा कि समझ लीजिए अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर वाला ये प्लान ले लेते हैं तो इसमें ये 151 रुपए का प्लान है। ये लेने के बाद आप लोग ऐसे हजारों रिटेलर आप लोग ओपन कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट बना करके लोगों को दे सकते हैं। जैसे कि 99 रुपीज का है तो आप लोग 99 रुपीज चार्ज करेंगे, यानी कि एक तो आप लोगों का नेटवर्क बनता जाएगा इसमें। जैसे कि आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूटर है, पहली बात तो ये कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, अब डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप लोगों को ये
एक्सेस मिल जाता है कि आप लोग अनलिमिटेड रिटेलर को यानी कि रिटेलर यूजर्स बना करके दे सकते हैं लोगों को, और आप लोग उनसे पैसे ये चार्ज कर सकते हैं, ये इतना या इससे ज्यादा का आप लोग पैसा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें अनलिमिटेड पैन कार्ड भी बना सकते हैं और साथ में आप लोगों को यहाँ पर अनलिमिटेड रिटेलर अकाउंट बनाने का भी मौका मिलता है, जिससे आप लोग रिटेलर अकाउंट बना करके सेल कर सकते हैं। और जो लोग भी यानी कि समझ लीजिए, अगर ये इंसान यानी कि रिटेलर वाला अगर 5 पैन कार्ड बनाता है तो 5 पैन कार्ड पे जितना भी कमीशन बनता रहेगा आप लोगों को, वो आप लोगों को इस अकाउंट में मिल जाएगा यानी कि आप लोगों के एडमिन पैनल में। अगर इससे भी बड़ा वाला प्लान लेंगे तो इसमें डबल बेनिफिट है, वो क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। ये डिस्ट्रीब्यूटर वाले प्लान में सिर्फ आप लोग रिटेलर बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप खुद लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप लोग ये वाला प्लान लेते हैं ये, तो इसमें आप लोगों को एक बेनिफिट है, और बेनिफिट क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ज्वाइन एज अ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है और ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इसमें क्या बेनिफिट्स होगा, इसमें भी आप लोग अनलिमिटेड पैन कार्ड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बेनिफिट्स है। क्रिएट अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स विथ लो इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप लोग यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक बार 400 रुपए लगाना है लाइफ टाइम के लिए, आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ 400 रुपए में ये मास्टर वाला डिस्ट्रीब्यूटर ये प्लान जो है ये मिल जाएगा, जिसमें आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी क्रिएट कर सकते हैं, रिटेलर भी क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग पैन कार्ड पे जो कमीशन होगा ये दोनों का वो भी मिलेगा, और साथ में इन दोनों का जो जैसे कि समझ लीजिए ये 151 का है ये वाला प्लान, तो आप लोग 151 रुपए में या आप लोग अपना जोड़ करके थोड़ा बहुत जो भी होगा वो सब आप लोग जोड़ करके एक्स्ट्रा आप लोग चार्जेस ले करके आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर प्लान दे सकते हैं दूसरों को या रिटेलर प्लान दे सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम में, ठीक है। जैसे 99 रुपए लिखा है तो आप लोग 110 रुपए में ऐसा रिटेलर प्लान सेल कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से। वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये तीनों काम करता है, जैसे कि आप लोगों को इसमें 3 बेनिफिट होगा, इसमें डबल होगा और इसमें सिंगल बेनिफिट होगा, यानी कि इसमें पैन कार्ड का, इसमें आप लोगों को रिटेलर और पैन कार्ड दोनों होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर और पैन कार्ड तीनों होगा, यानी कि ये प्लान आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या करूंगा, ज्वाइन एज अ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि मैं ये वाला प्लान लेना चाहता हूँ। कोई भी आप लोग प्लान लेंगे वो लाइफ टाइम के लिए होगा, मैं तो ये वाला प्लान लूंगा 399 रुपए यानी कि 400 रुपए का ये प्लान है। तो आप लोग ये वाला ही प्लान लीजिए, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करें, या आप लोग यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन का ये बटन दिख रहा है, यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो न्यू रजिस्टर रजिस्ट्रेशन हियर लिखा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम, मिडिल नेम यानी कि मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी आप लोगों का कोई भी चालू रहना चाहिए, और आप लोगों को एक पासवर्ड बनाना है 8 से 10 डिजिट का, उसमें कैरेक्टर वर्ड सब मिक्स रहना चाहिए, और यहाँ पे पिन कोड आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ का पिन कोड, आप लोगों का एड्रेस और आप लोगों का जो स्टेट है यानी कि आप लोग अभी जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र सिलेक्ट के लिए आप लोग अपना देख लेना। उसके बाद रोल, अब जैसे कि मुझे यहाँ पे मास्टर वाला डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए प्लान, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे क्या करना है रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब रजिस्टर पे ये मैं अकाउंट बना लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है। जैसे कि देख रहे हो तो यहाँ पे सब मैंने इन्फॉर्मेशन भर दिया है, अब यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही रजिस्टर के बटन पे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया है रजिस्टर सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने आईडी और पासवर्ड डाला है, उस आईडी पासवर्ड को हम लोगों को यहाँ पर डालना होगा, यानी कि ईमेल आईडी को आप लोग डाल सकते हैं, या जो आप लोगों ने जैसे कि बाद में एक आईडी भी आप लोगों को मिलेगा वो बताऊंगा कैसे, या आप लोग जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसके जरिए भी आप लोग पासवर्ड और जो पासवर्ड आप लोगों ने डाला है उसको दोनों को डाल करके आप लोग यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, फिर मैं लॉग इन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, लॉग इन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि समझ लीजिए सबसे देखिए यहाँ पे लिख करके आएगा लॉग इन सक्सेसफुली। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, अब ये लोड होगा। लोड होने के बाद देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने प्लान लिया है 399 रुपीज का, यहाँ पे वन टाइम फीस है, यूजर क्रिएशन फ्री है, कमीशन ऑन ईच कूपन सेल्स, और यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये 24 घंटा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, 399 रुपए का है लाइफ टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर वाला प्लान है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नाउ का जो बटन है इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जाने के बाद आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करना है आप लोगों को पेटीएम के जरिए या पेटीएम यूपीआई के जरिए, या यहाँ पर देख रहे होंगे तो कोई भी आप लोग जैसे कि पेटीएम फोन पे किसी भी चीज का यूज करके आप लोग पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे तो इसको डायरेक्ट आप लोग स्कैन करके पे कर सकते हैं, या आप लोग अपना यूपीआई आईडी डाल करके 399 पे कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, डैशबोर्ड पे मेन जाते हैं
और वहां पर बताता हूँ कि क्या करना है। जैसे ही मैंने मेरा पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर अब मेरा पैन कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आप लोगों को अपना डाल देना है, फिर ये अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। तो मैं मेरा पैन कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेटेड हो चुका है, और अभी यहाँ पर देख रहेंगे तो यहाँ पर मेरा नाम लिख कर क्या रहा है, मेरे चैनल का आई लर्न टेक, यहाँ पर आप लोगों का आपका खुद का नाम होगा। यहाँ पर देख रहेंगे तो आपका अकाउंट हमारे पोर्टल में एक्टिव हो चुका है। ये एक वेबसाइट है जहां पर आप लोगों को एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो ये जो यूटीआई पीएसए आईडी जो है, इसको जनरेट करने के लिए यहाँ पे जनरेट आईडी लिखा हुआ है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अकाउंट बनाया, यानी कि जैसे अपना हम लोगों ने यहाँ पर अकाउंट बनाया था इस वेबसाइट पर, तो हमारे मोबाइल पर जो हम लोगों ने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था वो हम लोगों को हमारे मोबाइल नंबर पर एसएमएस आता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं जनरेट आईडी पे। जनरेट आईडी पे जैसे क्लिक करेंगे, फिर से हमारे मोबाइल पर और एक एसएमएस जाएगा जिसमें आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ होगा। तो जैसे कि अभी यहाँ पे जनरेट आईडी, अभी देखते हैं क्या होता है। मैंने क्लिक तो कर दिया है। तो जैसे हम लोग ने ये जो जनरेट आईडी पे हम लोगों ने क्लिक किया, तो वो ऑप्शन जाकर के यहाँ पे देख रहे हैं तो लिखा है इन क्विक, और इसके बाद आप लोगों का जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने इसमें रजिस्टर करते टाइम पे डाला था, उसी पर आप लोगों के रजिस्टर मोबाइल पर एक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। तो जो आईडी और पासवर्ड आया है उसको कैसे इस वेबसाइट में यूज करना है, जो अभी आया है दूसरा वाला जो आईडी पासवर्ड है ये यूटीआई पीएसए का, तो यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ, या आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएसए लॉगिन, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो वेबसाइट है ये लोड हो जाएगा, और लोड होने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो यूजर लॉगिन, जो हम लोगों को आईडी और पासवर्ड मिला है, आईडी हमेशा के लिए याद रखना है लेकिन जो पासवर्ड है उसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आईडी डाल देता हूँ वही वाला जो अभी मुझे मैसेज पे आया है। तो देखिये ये जो मुझे यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो दोनों सेम मिलता है। अब इसको चेंज करना है, वो चेंज करने का भी ऑप्शन ऑटोमेटिक आता है। तो यहाँ पर ये लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया और वो जो नीचे कैप्चा था उस कैप्चे को देख करके सेम आप लोगों को लिखना होता है, और फिर यहाँ पे इसको मैं नेवर कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को डियर यूजर योर आईडी हैज बीन एक्सपायर्ड काइंडली चेंज पासवर्ड नाउ, ओके। यहाँ पर हम लोगों को जो पासवर्ड अभी हमारे मोबाइल पे एसएमएस आया है उसमें जो पासवर्ड है उसको ये पहले वाले में डालिए, फिर एक नया पासवर्ड बनाइए अपने हिसाब से, और यहाँ पर भी एक नया पासवर्ड बना दीजिए। तो जो पासवर्ड मुझे आया था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड में मैं पहले ही न्यू पासवर्ड में क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर में कुछ बोल रहा है कि उसमें एक लोअर केस होना चाहिए, एक कैपिटल अपर केस होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, कितना भी नंबर आप लोग डाल सकते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे कि @-, इस टाइप का आप लोग डाल सकते हैं, और टोटल जो पासवर्ड होगा आप लोगों का वो मिनिमम 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, यानी कि टोटल सब चीज मिला करके 5 चीज होना चाहिए, या 5 से ज्यादा रहेगा तो और बढ़िया रहेगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा आप लोगों का। तो ये दोनों मैं डाल लेता हूँ। जैसे मैंने पासवर्ड डाल लिया है सब, यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो गलती की है आप लोगों को बीच प्रकार का गलती देगा, तो उन सब चीजों से बचना है, जैसे कि यहाँ पर सब चीजों का यूज करना है, जैसे कि इसमें और एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं हुआ है तो मैं कर देता हूँ, और इसमें भी वही सेम मैं कर देता हूँ जैसे कि यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने सेम कर दिया है। अब यहाँ पे फिर से सबमिट करता हूँ, देखिए अब कुछ एरर नहीं आएगा क्योंकि अब सब कुछ जो पासवर्ड है वो एकदम करेक्ट हो चुका है, सही लिखा था मैंने अभी इस टाइम। अब फिर से हम लोग पीएसए लॉगिन पे जाएंगे। इसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताना है, तो मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक बस देखते रहिए। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने मेरा आईडी डाल दिया है, और जो अभी हमने नया पासवर्ड बनाया है उसको डाल दिया। यहाँ पर ये जो कैप्चा है इस कैप्चे को यहाँ पर मैंने लिख दिया। लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम लोग लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, अभी हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग इसको ओके कर दीजिए यहाँ पर, ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये सब अगर चीजें आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि न्यू एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं तो लिखा हुआ है येट नॉट रजिस्टर्ड विद यूटीआई आईडीज, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक अपना अकाउंट बनाना होगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग इसको चेक करना है।
चेक करने के बाद हम लोगों का ऑटोमेटिक ये सब फिलअप हो गया, जैसे कि उस वेबसाइट पर हम लोगों ने पहले ही फिलअप कर दिया था यहाँ पर, तो सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आ गया है तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सीधा सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि सब कुछ सही सही है, तो कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ आप लोगों ने वहां पे डाला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग ने अकाउंट बना लिया है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पे लिख करके अश्वनी सिंह रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद यूटीआई, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे तो लिखा हुआ है एलिजिबल कूपन विद बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड। बोथ फिजिकल पैन कार्ड का मतलब ये है कि अगर आप लोग घर पे नया पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं तो ये फिजिकल उसको बोलते हैं, और ई पैन का मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ ऑनलाइन पैन कार्ड चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके भी चार्जेस हैं, वो क्या है सिर्फ आप लोग अपने यूजर्स को बताना, जिसका आप लोग पैन कार्ड बना रहे हैं उससे आप लोगों को चार्जेस लेना होगा। तो जैसे कि समझ लीजिए जिसको पैन कार्ड बनाना है, अब जैसे कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मुझे मैं पैन कार्ड भी बना सकता हूँ, तो यहाँ पे फॉर्म 49A सर्विस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है ये जो मेन फॉर्म एंट्री लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को फिर से इस वेबसाइट पर आना है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग पैन कार्ड जिसका भी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर एक कूपन बाय करना होगा। यहाँ पे बाय कूपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग अपना आईडी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे से जैसे कि फिजिकल पैन कार्ड या ई पैन कार्ड चाहिए, जैसे कि समझ लीजिए फिजिकल लेंगे तो घर पर आएगा, तो घर पर जो पैन कार्ड आएगा उसका पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, जो आप लोग सिर्फ ऑनलाइन पैन कार्ड चाहते हैं तो इसका पैसा कम लगेगा। तो मैं समझ लीजिए घर पर मंगाना चाहता हूँ तो ये फिजिकल वाले पे क्लिक करूंगा। कितना चाहिए जैसे कि कितना पैन कार्ड चाहिए उसके हिसाब से, जैसे कि मुझे एक चाहिए तो एक पैन कार्ड का जो प्राइस है वो 97 रुपीज है। लेकिन आप लोग कस्टमर से, जैसे कि मैं तो पैन कार्ड बनाने वाला हूँ तो जो मेरे कस्टमर होंगे उनसे मैं जैसे कि 100 रुपए 150 रुपए ये जितना भी आप लोगों का मन करे उतना आप लोग चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे 97 रुपीज आप लोगों को पे करना होगा, और जैसे आप लोग पे करेंगे आप लोगों को एक कूपन कोड जनरेट हो जाएगा, और उस कूपन कोड को आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग मेन फॉर्म एंट्री पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि देख रहे हैं तो मेन फॉर्म ये जो एंट्री है यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पैन कार्ड बनाने में ये हेल्प करेगा। जैसे कि देख रहे हैं तो यहाँ पे नो एप्लीकेशन अवेलेबल बता रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तो प्री फॉर्म एंट्री पे जाना है, प्री फॉर्म जो एंट्री है उस पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जैसे ही आप लोग सब कुछ ले लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ से ये जो वेबसाइट है ये खुद आप लोगों को पैन कार्ड बना करके देगा, जो कि आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को ज्यादा हेल्प चाहिए इस वेबसाइट से रिलेटेड या पैन कार्ड बनाने में कुछ हेल्प दिक्कत आ रहा है तो आप लोगों को जो मैंने नंबर बताया था उस नंबर पर कॉल करना है, जो कि शुरू में मैंने थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, या आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे जैसा मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। आप लोग यहाँ पर फॉर्म को ये फिलअप करेंगे, ये जो फॉर्म है अभी यहाँ पे जितने भी जैसे कि ये समझ लीजिए ये है एप्लीकेशन फॉर्म, ये जितना भी कुछ बताया गया है, अब जैसे कि समझ लीजिए इसमें आप लोगों को कब फोटो और सिग्नेचर दोनों चीज अपलोड करना होगा, तो उसके लिए भी इस वेबसाइट में एक सुविधा दिया गया है, वो क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कुछ भी पूछा गया है वो सब कुछ आप लोगों को सही सही भरना होगा, सही कुछ सही सही सब कुछ बताना होगा। अब जैसे कि समझ लीजिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक अपना आधार कार्ड या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट होगा वो अपलोड करना होगा। सबसे मेन तो इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों का आपका फोटो और जैसे कि फोटो और आप लोगों का सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों ये जो वेबसाइट है डिजिटल फास्ट पैन कार्ड, इस वेबसाइट का फिर से होम पेज पे आ जाना है, और यहाँ पर देख रहे तो क्रॉपिंग टूल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। एक जानकारी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब जैसे कि जो अभी आप लोगों का फोटो साइज होगा उसको सबसे पहले तो आप लोगों को रिसाइज करना होगा, यानी कि यहाँ पर जिस जैसे कि समझ लीजिए 200 KB का ही फोटो लेता है ये अपने अंदर, यानी कि अपलोड करते टाइम पे, तो उतने KB का आप लोगों को फोटो बनाना होगा। तो यहाँ पर देख रहे तो फोटो को सबसे पहले अपलोड करना होगा यहाँ से, और फिर यहाँ पे जैसे कि इसको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसको ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या करना है डाउनलोड फोटो पे क्लिक कर देना है। वैसे ही फिर से यहाँ पे सिग्नेचर रिसाइज करना है और चूज, यानी कि जो आप लोगों का सिग्नेचर होगा उसका फोटो अच्छा खासा लीजिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए, और फिर उस फोटो को अपलोड करने के बाद इसको कुछ भी चेंजेस मत कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर डाउनलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर दीजिए। दोनों फोटो को आप लोगों को यहाँ पर लगेगा, कहाँ पर, यहाँ पर। तो जब आप लोग ये सब पूरा फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो जब नेक्स्ट पेज आएगा तो शायद वहां पर फॉर्म आप लोगों को अपलोड करने के लिए बोल सकता है,
वैसे तो यहाँ पर आधार कार्ड के जरिए ही सब कुछ शायद ले लेगा, नहीं लेता है तो आप लोगों को ये दो चीज जो मैंने बताया है उसको आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना है तो आप लोगों को सब कुछ वैसे ही मुझे फॉलो करना है। फॉलो करके आप लोग इजीली ये सब जो पैन कार्ड है इजीली आप लोग बना सकते हैं दूसरों का और आप लोग अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वेबसाइट के बारे में बता दिया है कि आप लोग ये तीन प्लान में से कौन सा प्लान लेना चाहिए, मैंने तो ये वाला लिया है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, आप लोगों को जिसमें ज्यादा बेनिफिट दिखे उस प्लान को लीजिए। जितना ज्यादा आप लोग पैन कार्ड बनाएंगे लोगों का उतना ज्यादा आप लोग अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तीन तरीके मैंने बताए हैं पैसे कमाने के इस वेबसाइट के जरिए। सबसे पहला फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो पहला तरीका है पैन कार्ड बना करके, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर वाला ये प्लान लेकर के आप लोग रिटेलर का भी एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं दूसरे का, जो लोग समझ लीजिए आपका फ्रेंड भी पैन कार्ड बनाना चाहता है दूसरों का तो उसको ये रिटेलर का अकाउंट सेल करेंगे, ये वाला आप लोग प्लान लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये प्लान लेंगे रिटेलर का, उसको देंगे तो इसका भी पैसा हम लोगों को मिलेगा। जैसे कि 100 रुपए का है तो हम लोग उसको 150 रुपए में यही वाला अकाउंट सेल करेंगे। और ये सब कैसे अब होगा वो भी बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर देख रहे तो यहां पे एक एडमिन का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्रिएट यूजर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट यूजर पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे फुल नेम, अब जैसे कि जो भी होगा उसका फुल नेम यहाँ पे लिखेंगे। अब फुल नेम लिखने के बाद यहाँ पे उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसके लिए एक पासवर्ड बना देंगे और एक पैन कार्ड नंबर जो है उसका वो डाल देंगे। उसका फुल एड्रेस यानी कि जो उसका एड्रेस है वो डालेंगे, उसका स्टेट कौन सा है कहाँ पे रहता है वो सब आप लोगों को बताना होगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि उसको रिटेलर बनाना है, तो रिटेलर बनाने के लिए आप लोगों को ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा रोल, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिटेलर सिलेक्ट करेंगे। रिटेलर सिलेक्ट करेंगे तो जैसे कि मैंने रिटेलर समझ लिया सिलेक्ट कर लिया, इसको रिटेलर मैंने बना दिया। अब यहाँ पे जैसे कि फिजिकल कूपन रेट यानी कि ये जो कूपन है अभी हम लोग फिजिकल बना रहे हैं तो 100 रुपए लगेगा, अगर ऑनलाइन ये कूपन बनाएंगे तो उसका जो है रेट है वो 80 रुपए रहेगा। आप लोग चाहते हैं इसको चेंज करना, जैसे कि फिजिकल कूपन बनाए तो कितना, जैसे कि समझ लीजिए आप लोग 110 रुपए चार्ज करना चाहते हैं और जो ऑनलाइन पैन कार्ड जो बनेगा आप लोग चाहते हैं कि उसका 100 रुपए ले, तो आप लोग ऐसे करके आप लोग चार्जेस ले सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसको आईडी और पासवर्ड दे दीजिए। और अगर आप लोग 10-12 लोगों को ऐसे जोड़ लेते हैं और वो लोग जितना भी इनकम करेंगे, जितना भी उन लोगों का कमीशन बनता रहेगा आप लोग आपके हिसाब से, वो कमीशन आप लोगों को ऑटोमेटिक आप लोगों के अकाउंट में मिलता रहेगा। और जितने भी आप लोग यूजर बनाएंगे इस तरह करके तो आप लोगों का एक तो टीम बनेगा और ऊपर से यूजर लिस्ट में जाकर के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने यूजर्स हैं आप लोगों के अंदर। जैसे कि समझ लीजिए आप लोगों ने 10 यूजर क्रिएट कर लिया है, 10 यूजर के साथ में यानी कि 10 यूजर आप लोगों के नीचे काम कर रहे हैं तो 10 यूजर का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा, उन सबसे कितना कमीशन आ रहा है, उन लोगों का मोबाइल नंबर क्या है, वो सब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि जैसे कि उनका बायोडाटा पूरा मिलता रहेगा कि कितना उन लोगों ने पैन कार्ड बना दिया है, क्या किया है, सब कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। जैसे कि समझ लीजिए जो भी कमीशन है उसको आप लोग कैसे निकालेंगे, पैसा कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे वैलेट का ये ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेटलमेंट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेटलमेंट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है मिनिमम 3 रुपए आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 3 रुपए निकाल सकते हैं देख रहे तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी, यहाँ पे मेरा नाम और उसके बाद यहाँ पे एड कॉन्टेक्ट यानी कि जैसे कि इसको चेंज करना चाहते हैं तो सब कर सकते हैं या और दूसरा डालना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि समझ लीजिए अगर आप लोग बैंक अकाउंट ऐड यानी कि बैंक अकाउंट में पैसे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वो सब आप लोग देख लीजिए। सेटलमेंट जो भी जैसे कि समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पे जैसे कि कुछ चीजें होती है ओटीपी, जैसे कि आप लोग सिक्योर पेमेंट लेना चाहते हैं उस टाइप का तो वो सब आप लोग यहाँ पे देख लेना। सेटलमेंट लिस्ट यहाँ पे सब आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ये चीज की आप लोग जैसे कि समझ लीजिए अगर 3 रुपए बोल रहे हैं मिनिमम 3 रुपए निकालने का तो 3 रुपए पे कितना चार्जेस ले सकता है वो सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए मेरे पास 100 रुपए हो गया है तो 100 रुपए पे कितना चार्ज लेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सेटलमेंट चार्जेस लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है एमपीएस और यूपीआई यानी कि दोनों जरिए पेमेंट होता है। तो जैसे कि 1000 रुपए के नीचे है तो 2 रुपए चार्ज किया जाएगा। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे 3 रुपए लिखा है कि 3 रुपए निकाल सकते हैं तो 2 रुपए चार्ज कटेगा और 1 रुपए आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं जस्ट आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर समझ लीजिए 1000 रुपए से लेकर के 25000 तक का अगर आप लोगों का इनकम होता है कमीशन के जरिए तो आप लोगों को 4 रुपए टैक्स कटेगा, बाकी का जो
जैसे कि समझ लीजिए 24,994 जो 94,96 रुपए है वो आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि 4 रुपए टैक्स कट करके। अब वैसे ही इसमें अगर 25,000 से ऊपर का अगर आप लोग कमीशन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो आप लोगों से 8 रुपए टैक्स कटेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मैंने आप लोगों को अच्छे से पूरा समझाया है। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस वेबसाइट का जो भी लिंक है, यानी कि इस वेबसाइट का लिंक और साथ में ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर का मैंने ये जो दोनों नंबर है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप लोग अगर कॉल करके इन लोगों से कुछ भी हेल्प लेना चाहते हैं तो इजीली आप लोग ले। और अगर आप लोगों को कोई और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ और जैसे हेल्प चाहिए तो ये नंबर पे कॉल जरूर करें, आप लोगों को अच्छे से सहायता की जाएगी, वो पूरा सपोर्ट देंगे और आप लोगों को अच्छे से हेल्प किया जाएगा। किसी भी प्रकार का समस्या हो या हेल्प चाहिए और सब आप लोग वहां पर कॉल करके पता कर सकते हैं। टाइमिंग यहां पर आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।